कजूस खाओ, कजूस खाओ, आराम से गाना के सुनान भाई जान, हम ने ध्यान बोल नहीं दे रहा करो, मैं बोलूंगा, मैं पहले पता आता अपने बोलूंगा, अब मैं बोला गया सर, अरे नहीं नहीं ले ले ले, अरे ले, अरे रख लो, कर्जा बाद में, बाद में वापस दे देना, वापस दे देना बाद में। अरे तो देख लीजिए दोस्तों, आज हमारे फैन हैं सेवा छावलिया जी, और वो थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य खराब है, तो उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। और ये देखिए थोड़ा सा फल फलूट लेके जा रहे हैं, सिरसी वाला ब्लॉक के नाम से वो जाने जाते हैं, लेकिन हमारे मित्र हैं। और इसके अलावा वो एक यूट्यूबर हैं, और एक यूट्यूबर की मदद एक यूट्यूबर नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो थोड़ा सा उनके हाल चाल जानने के लिए इस हॉस्पिटल में आए हुए हैं। और ये देख सकते हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल पड़ जाता है, ये गुना सिटी का एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल अब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। जाम में नहीं होगा, नई वाली मेडिकल वार्ड है वहां पे, लेफ्ट वाली मशीन में। हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, और कैसे आए हॉस्पिटल? बेसिक घूमने के लिए। घूमने मत आया कीजिए, हॉस्पिटल घूमने के लिए नहीं है, कामना कीजिए स्वास्थ्य सही रहे। एक हॉस्पिटल और एक थाने का भी नहीं जाना चाहिए घूमने के लिए। दोपहर के टाइम तो खाली रहती है हॉस्पिटल। किससे? सेवा छावरिया भैया से। सेवा छावरिया जी सिरसी वाला ब्लॉक, उनसे मिलने के लिए आज हॉस्पिटल जा रहे हैं। फल फलूट कहाँ है देख लीजिए, ये फल फलूट ले जा रहे हैं। तो ये देख लीजिए, ये सेवा छावरिया जी हैं, और आज इनसे मिलने आया हूँ हॉस्पिटल में। ये थोड़ा सा इनका ये स्वास्थ्य खराब है, और थोड़ा सा फल फलूट लेके आए हुए थे। कैसा स्वास्थ्य है आपका? स्वास्थ्य ठीक है। सबसे पहले सभी भाइयों से, दोस्तों से, और जितने भी वीडियो को लोग देख रहे हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो सच्चा मित्र वही है जो दुख में अपने साथ खड़ा हो। भाई साहब से मेरी मुलाकात पिछले नवरात्रि में हुई थी, लगभग 6 महीने होने वाले हैं। मैंने बहुत से लोगों से मित्रता की और बहुतों के साथ काम भी किया, लेकिन जो बात भाई साहब में है वो किसी में नहीं है। मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ, इन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया, इन्होंने मुझसे खुद आगे होकर पूछा, मैंने इनसे कोई मदद नहीं मांगी, इन्होंने खुद मुझसे बोला कि सेवा भाई आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप मुझे बताइएगा। आज मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मैंने बहुत लोकल डॉक्टरों से जो है इलाज करवाया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगा, आज मैं एडमिट था। भाई साहब मुझे काफ़ी सारे फल फ्रूट्स जो हैं वो लेकर आए हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, और इन्होंने जो है वो मेरी आर्थिक सहायता भी की है, क्योंकि मेरी सैलरी 10 तारीख को आती है। क्या होता है, नौकरी वाला तो सैलरी पर ही निर्भर रहता है, तो थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है। तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत भाई साहब के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी लोग भाई साहब को बुरा भला बोलते हैं, उन सबसे मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी भाई जो हैं एक बार इनसे पर्सनली मिलकर देखिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता आपको चल जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, आप तो क्या जज कर रहे हो, आप ऐसा जज मत करिए, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, और आज भाई साहब की बदौलत गुना में कम से कम 50 यूट्यूबर जो है वो निकल कर सामने आए हैं, जिनकी प्रतिभा और टैलेंट छुपी हुई थी। नहीं, भाई साहब के आने से पहले लोग वीडियो बनाने से डरते थे, लेकिन आज भाई साहब का नाम ले लेकर लोग बहुत अच्छे व्यूज ला रहे हैं, बहुत बढ़िया अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं, और बस यही कहना चाहूँगा
सब करो कॉपी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्यादा का एक अपने भाषा का जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करो और अपने शब्दों का मतलब मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा क्या है कि तबीयत सही नहीं है तो उस तरीके से। चलिए कोई बात नहीं, देवा चावलिया जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आज इनका स्वास्थ्य खराब था, एक यूट्यूबर है और एक यूट्यूबर की मदद यूट्यूबर नहीं करेगा तो कौन करेगा। मैं इनको अपना भाई मानता हूँ और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं 24 घंटे के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करो भाई, जल्दी ही इनका स्वास्थ्य सही हो और जल्दी ही इनकी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। भले व्यक्ति को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, दूसरे की तकलीफ समझे, बहुत सपोर्ट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।